अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आई हुई हूँ मोस्ट डिमांडिंग जगह, जो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि जद्दा की अबाया मार्केट दिखाएं, जद्दा की अबाया मार्केट दिखाएं। तो आज मैं आई हुई हूँ वादी। ये पीछे आप टर्किश चादर देख रहे हैं जो मैंने मदीना के व्लॉग्स में पहनी है। 3 दिन रुके थे, तीनों दिन जो मैंने पहनी थी वो यही थी और यही से ली थी मैंने, और बहुत सस्ती, बहुत रिजनेबल। तो हमारे लिए भी लेने आ गई क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे। बहुत हसीन मौसम हो रहा है माशाल्लाह। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये वाला टर्किश चादर कितने की है? ये वाली है पूरा 25 की है। छोटे बच्चों की भी है, है? दोनों के साइज की। हाँ या माशाल्लाह दुआ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक की वैरायटी है, कलरफुल की वैरायटी है, एम्ब्रॉयडर्ड, हर तरह की आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। जी दे छोटे में दिखाइए। हाँ कलर कोई भी चलेगा, कुछ भी हो, कलर का इश्यू नहीं है। ये 25 का बच्ची का, अरे डिस्काउंट कर देगा। हाँ दिखाओ दुआ, उसको भी हाँ इसका भी दिखाओ, ये भी पहनेंगी। खड़ी हो पसंद पड़ेगा। हाँ बस बच्ची के साथ। हाँ दिखाएं दूर के साथ में यार, दिखाएं दिखाएं, दोनों का साथ एक जैसा हो जाएगा। पैसे कौन देगा, मम्मी देगा ना देगा, बताओ। मम्मी के साथ पैसे, मम्मी के साथ। जिया इधर दिखा, पीछे जाओ, दूर एक साथ में तो पीछे जाओ, पीछे जाओ। जिया यू लाइक इट? नो कलर दिखाएं। ये कपड़ा कौन सा है? जर्सी का कपड़ा। कॉटन लॉन नहीं है, कॉटन है वो वाले थे मुझे, जर्सी वाला नहीं। ये कॉटन लॉन है। बाजू कितने हैं? बाजू सेम पूरे। हाँ। कितना हुआ बस टोटल कितना? आप मौसम चेक करें, कितना प्यारा जद्दा का हो रहा है। हवाएं मतलब उड़ा उड़ा के लेके जा रही है, जिसकी वजह से जद्दा में छुट्टियां भी दे दी हैं स्कूल की। मैंने भी अपना ले लिया है, बच्चों ने भी ले लिया है। मुझे ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इंशाल्लाह मदीना जाना होगा तो मैं ये वाला पैटर्न ज़रूर बाय करूँगी। इनके पास बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी है, लेकिन हमारा फर्स्ट शॉप से ही काम हो गया है। अच्छा था आप लोगों को पूरी मार्केट विजिट करवाऊँगी, लेकिन हमारा फर्स्ट शॉप से ही काम हो गया। तो अभी निकलने की करते हैं क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है। फिर इंशाल्लाह कभी पूरी मार्केट का मैं आपको विजिट कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी हमें जाना है बशावत, उसके पास एक मार्केट है, वहाँ से लेना है बुक शेल्फ वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, और ये सारे काम करने हैं। इसलिए मैं आगे मज़ीद नहीं लुड़ नहीं फिर रही हूँ, तो बस यहाँ से निकलने की करते हैं। बिस्मिल्लाह चले। हम आ चुके हैं बशावत की बैक साइड पे जो मार्केट है, क्योंकि मैंने जो अपने मिरर लिया था वो यहीं से लिया था। मुझे आता है यहाँ पे शेल्फ मिलते हैं, ये हैंगिंग वाले प्लांट यार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन फिर वही बात कि इसको साफ करना सुथराई करना बड़ा एक हेक्टिक हो जाता है, ऑलरेडी इतने काम है जिम्मे। तो अभी बस हम पहले शेल्फ वाले की तरफ चलते हैं। यल्ला मेमोरी अच्छी है मेरी, इधर से ही मैंने लिया था। यस आई रिमेम्बर, शीशा लिया था ना आपके पास से। ये जो है शू वाला, जूते रखने वाला, वो कितने का है? 70? जब मैं पहले आई थी तब तो कम था। वो पीछा छोटा वाला, हाँ नहीं 60 नहीं, दिखाओ। कौन सा कलर चाहिए? व्हाइट है, ये 250 का है। बस आपको लिए सॉरी, आप ये देखो दो लिए 300 में, ठीक है। ये देखो कलर ये है, कलर दूसरा वाला ये वाला दे दे, ठीक है। मुश्किल माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह अच्छा दिन है कि पहली शॉप से ही सारी चीज़ें मिल रही हैं। बुक शेल्फ भी मैंने ले लिया है, और वो चेंज करनी पड़ती है, लेकिन आज
जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान मिल रहा है। अभी वो आएंगे तो वो शू रैक पैक करेंगे। पैक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बोझ उतरा, लेकिन आज बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं तो बस सब चलते। यस सिंगल एंड डबल बोथ, डबल एंड सिंगल। डबल ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पर्पल, शो मी द ब्लू। फील लाइक दैट? نو نو اربع قطع اربع قطع وفي وصله واحده 6 امتار यहां पे ये कंफर्टर्स के सारे कलर्स लगे हुए हैं और ये वाला मैंने ले लिया है, इसके साथ जैकेट भी ले लिए। अच्छा मुझे प्रिंटेड वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं की, इसलिए मुझे प्लेन की तरफ जाना पड़ा, जबकि प्लेन मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ। ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत मतलब चीप दिख रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं ये नहीं ले रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे काम स्पीडो स्पीड हुए, अदरवाइज इतनी स्पीडो स्पीड जब मैं किसी मिशन से निकलूँ होते नहीं। आपने हिराज का व्लॉग देखा होगा, कभी भी इतने स्पीडो स्पीड काम नहीं होते, बट आज कहते हैं ना कि बस अल्लाह की तरफ से होता है, सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बेडशीट्स का भी काम, बच्चों की बेडशीट्स मुझे नहीं मिली, मुझे अपनी मिल गई, कंफर्टर वगैरह मिल गया, बच्चों की बेडशीट सिंगल फिटेड लास्टिक वाली नहीं थी और मुझे सिर्फ लास्टिक वाली चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वो तो दो दो मिनट में निकलेगी और मैं सेट बार बार मुझसे नहीं होती, तो वो नहीं मिली है। वो फिर जब मैं सिफोरा मेकअप बाय करने के लिए जाऊंगी तो फिर मैं रेड टैग पे देख लूंगी। कितनी प्यारी सब्जियों की मार्केट है। खाने पे हमारी बहुत ज्यादा मुशक्कत चल रही है कि क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं हमें। अरे ये क्या हो गया इधर, फिर अब कुछ नया खुल गया? अभी तो उस दिन जिस दिन मैं इसका मेन्यू ला के वापस किया था कुछ और था ना ये है, अभी ये कुछ और नया आ गया है मार्केट में। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेती हूँ और उसमें कुछ एक ऐसी डिश मैं इन्वेंट करती हूँ कि जो कहीं भी ना मिल रही हो बस वो, और वो मैं बनाऊँगी, और अगर मैं वो ऐसे सॉल्ट बी की तरह अगर मैं पेश करूँगी तो उसके चार्जेस अलग होंगे। पर और ना इसके हाथ से हमने क्यों लेना है, एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे, हमें बिस्ती हो जानी है मेरी। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में सोचूंगी जब जब हीटर्स की लिस्ट कम हो जाएगी। चलो चलते हैं, हम लेने के लिए आ गए हैं, देश परदेश से बिल्कुल पास पड़ रहा था तो इधर से ही ले लेते हैं और चल के देखते हैं कि आज इनके पास क्या है। अरे इन्होंने बाहर कुछ लगाया हुआ भी और प्लेटें कितनी कलरफुल है, अरे वाह कितनी प्यारी है। देश परदेश में एंटर हुई प्लेटों की, मैंने इतनी तारीफ़ की, कलरफुल दिख रही थी लेकिन अंदर फुल ठंड प्रोग्राम लगा पड़ा है क्योंकि सहरी बन रही है तो उनके पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं और सहरी में भी टाइम लगता है। वैसे नॉर्मली रेस्टोरेंट 11:30 बजे सहरी शुरू कर देते बट इनकी अभी नहीं थी, इनके पास सिर्फ इस वक्त आइटम एक ही था चिकन कढ़ाई और वो मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने कहा कोई राइस आइटम वगैरह भी हो तो अभी कुछ भी नहीं था। दूसरे उनके दरवाजे के आगे पता नहीं क्या था, वो मेरी फिंगर पर लगा इतनी ज़ोर से कि कट लग के ब्लड आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा बस यहाँ से निकलने की करते हैं, अब देखते हैं क्या लेते हैं। अभी मैं आई थी घर और क्योंकि मुझे लेना था टेलर के लिए अपना जोड़ा उठाना था जो मुझे पहनना है जुमातुल विदा पे, दुल्हन कलेक्शन से मैंने बाय किया था। इतना एक कह रही है मैं शॉपर पकड़ूंगी, एक कह रही है मैं शॉपर पकड़ूंगी, तो मैंने टेलर के लिए वो शॉपर उठा लिया कि टेलर को दे देंगे और उमरे वाले को भी शॉर्ट करा लूँगी। और ये मेरे हाथ में बाउल है, मैंने जब घर में दावत की थी ना तो इसमें खीर बनवाई थी तो ये रेस्टोरेंट का मेरे पास पड़ा हुआ, ये भी उनको रिटर्न करेंगे। सो यल्ला हम आ चुके हैं दर्जी की शॉप पे और अंदर चलते हैं। मेरा वाला निकालो ना, हाँ ये ब्ले, ये मेरा है,
हाँ और वो दहला दो। सलामुअलैकुम, ये अब मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और अब मैं इनको ये अर्जेंट वाला काम दूंगी और ये मेरा अर्जेंट वाला नहीं अर्जेंट वाला। तो ये ड्रेस मैंने लिया था दुल्हन कलेक्शन से और मुझे इसकी स्लीव्स लगवानी है तो मैं इनके पास आई हुई हूँ। ये कह रहे हैं कि अर्जेंट वाला कोई काम नहीं, आप हमेशा अर्जेंट लाती हैं। अब मैं इनको कहती हूँ कि प्लीज़ कर दें, इन्होंने ओके कर दिया है, बहुत अच्छे हैं, बात मान गए मेरी। और अब मैं बस यहाँ से जाती हूँ, कल थर्सडे है, कल मैं ले लूँगी क्योंकि परसों मेरा उमरा है तो फिर मुझे वो पहनना है और ये जुमातुल विदा पे तो चलते हैं। रात के बज रहे हैं 12 और अभी हम आ गए हैं बिरयानी गेट क्योंकि और कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ का एक जो सालन है चिकन चंगेजी वो मुझे पसंद है, वो लेते हैं। और क्या क्या अंदर वैसे मेन्यू लगा हुआ है तो जाके चेक करते हैं। आ चुके हैं अंदर बिरयानी गेट के, हमने प्लान चेंज कर दिया, अब हम यहीं पे बैठ के खा रहे हैं और बस अब हम ऑर्डर करेंगे। थैंक यू। बस जिस रेस्टोरेंट में मुझे इस तरह के प्याज मिल जाए ना वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं घर। मैं लिफ्ट के पास इसको लेके इधर खड़ी हुई हूँ, साइन गाड़ी की पार्किंग वगैरह लगाकर आएंगे तो फिर आएंगे तो फिर इसको लिफ्ट में रखेंगे और अब हम लेके जाएंगे। रात के बज रहे हैं 1, कल का दिन है, परसों हमारा खैर से उम्रे का है 23वीं शब। तात रातें शुरू हो गई हैं, दुआओं में सब याद रखिएगा अल्लाह ताला। हम क्या हो गया है, दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखिएगा। ताक रातें शुरू हो गई हैं, अल्लाह ताला हर एक की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और तो बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह उम्रे वाले व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, बाय बाय।